कल एक वीडियो पोस्ट की थी इस यूट्यूब चैनल पे, जिसका टॉपिक था व्हाट इज एसे एंड टाइप ऑफ एसे। उस वीडियो में हमने समझा कि एसे या एसे राइटिंग क्या है, इसके साथ साथ उसकी 4 डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी, जिसमें नरेटिव एसेज, डिस्क्रिप्टिव एसेज, एक्सपोजिटरीज एसेज, आर्गुमेंटेटिव एसेज, इन 4 बेसिक टाइप्स ऑफ एसेज को डिस्कस किया था। अब आज की इस वीडियो में हम अपने सबसे पहले एसेज दैट इज नरेटिव एसेज को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करूंगी कि अगर आप नरेटिव ऐसे लिखना चाहें तो इन पॉइंट्स को नोट डाउन करते हुए आप कोई भी नरेटिव ऐसे इजीली लिख सकते हैं। अब कल की वीडियो में तो हमने ये तमाम ऐसेज, फॉर एग्जांपल नरेटिव ऐसेज या ये बाकी ऐसेज जो हैं और इनके एग्जांपल्स क्या क्या हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेसिफिकली नरेटिव ऐसेज की, कि नरेटिव ऐसेज कौन से ऐसेज होते हैं। इसके साथ साथ हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो ये कि अगर हमने नरेटिव ऐसे लिखना हो, उसको लिखते हुए हम कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको नोट डाउन करें और उनको ध्यान में रखते हुए हम नरेटिव ऐसे नरेट कर सकें। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि नरेटिव ऐसेज हैं क्या। अ नरेटिव ऐसे इज अ टाइप ऑफ ऐसे व्हिच इज बेसिकली अ 5 पैराग्राफ डॉक्यूमेंट That tells a story about the author's point of view. Means के narrative essays कुछ इस type के essays होते हैं जो कि 5 paragraph document पर मुश्तमिल होता है। Like minimum एक narrative essay के जो total paragraph होते हैं वो 5 होते हैं। इसके साथ साथ narrative paragraph में जो writer है, for example if I am writing that narrative essay, तो जब मैं लिखना शुरू करूंगी तो मैं उसमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूंगी। अब मैं जब अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूंगी तो उसमें मैं अपने पास्ट को रिकॉल करूंगी कि इन द पास्ट मैंने क्या किया, और इन फ्यूचर अब फिर मैं फ्यूचर को डिस्कस करूंगी कि जो गलतियां मैंने पास्ट में की वो अब मैंने फ्यूचर में नहीं दोहरानी, या पास्ट में मेरे साथ ये हुआ था और फ्यूचर में मेरे साथ ये होगा और प्रेजेंट में मेरे साथ ये हो रहा है। सो इसमें स्टोरी, आप लोगों को पता है कि जब हम किसी को स्टोरी एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं तो हम किसी को स्टोरी इसी तरह डिफाइन करते हैं। अब जो हमारा एक और क्वेश्चन रेज होता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग दैट नरेटिव एसे, इस नरेटिव एसे को लिखने की क्यों जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इस एसे को सबसे पहले हम इसलिए लिखते हैं, सबसे पहले तो ये आपको हेल्प करता है आपकी खुद की पर्सनैलिटी जानने के लिए, हु आर यू एंड व्हाट वैल्यूज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स यू एम्बडी। इसके साथ साथ इस तरह के जो एसेज होते हैं वो आप लोगों की राइटिंग स्किल्स को इनहेंस करते हैं, जिसमें वर्ड वैरायटी एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर शामिल हैं। अब हम डिस्कस करते हैं अपना पॉइंट, जिसमें के से ज्यादा जो क्वेश्चन रेज होता है कि अगर हम नरेटिव ऐसे लिखना चाहें तो उसको किस तरह से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप इन 5 पॉइंट्स को, जैसे कि हमने बात की कि एक नरेटिव ऐसे 5 पैराग्राफ डॉक्यूमेंट होता है, तो उस 5 पैराग्राफ को लिखने के लिए भी हमें कुछ 5 मेन पॉइंट रिक्वायर्ड होते हैं जिसके बेसिस पे हम कोई ऐसे लिखते हैं। सबसे पहले हमने अपना रजिस्टर भी ले लिया है, पेन भी ले लिया है, अब हम लिखने लगे हैं नरेटिव ऐसे। अब कोई भी ऐसे जब हम कुछ लिखना चाहें तो उन तमाम को लिखने के लिए भी हमें एक टॉपिक रिक्वायर्ड है, यानी कि अगर मैं नरेटिव ऐसे लिखने लगी हूँ तो मुझे लिखने के लिए भी एक टॉपिक रिक्वायर्ड है। तो अब वो टॉपिक हम किस तरह से चूज करेंगे, क्योंकि आई एम टेलिंग अबाउट माई सेल्फ, अब मैंने अपनी स्टोरी लिखनी है यानी नरेट करनी है जो कि रीडर्स के लिए हो, तो उसका टॉपिक जो रिलेवेंट होगा वो मुझसे होगा, फॉर एग्जाम्पल माय। अब जब हम नरेटिव ऐसे लिखने लगे हैं यानी कि हम सीख रहे हैं, तो उसमें जो टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल क्रिएट अ टॉपिक। अब इस क्रिएट अ टॉपिक में एक एग्जाम्पल आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जिसमें मैं अगर लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगी माय हैप्पीएस्ट डे और माय हैप्पीएस्ट डे एवर। ये एक टॉपिक है जो कि मैंने खुद से लिखने की कोशिश की है कि मेरा एक खुशगवार दिन या मेरा सबसे बेहतरीन दिन।
टॉपिक हमने चूज कर लिया है, अब जब हम इसको लिखने लगेंगे, अब मेरा हैप्पीएस्ट डे, अब जब मैं इसको राइट नोट डाउन करने लगूंगी तो मैं इसको नोट डाउन करने के लिए कुछ ही पॉइंट्स बनाऊंगी, कुछ आउटलाइंस बनाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, आज के दिन मैंने क्या क्या किया, मैं कहाँ कहाँ गई, मैं कब खुश हुई, मैं कब सैड थी, मैं क्यों सैड थी, ये मेरा जो है सबसे बेहतरीन दिन क्यों था, क्यों मैंने इसे कहा कि मेरा ये सबसे बेहतरीन दिन है, ये तमाम व्यूज को लेके मैंने आउटलाइंस क्रिएट कर ली। अब टॉपिक क्रिएट हो गया है, आउटलाइंस क्रिएट हो गई हैं। हमारा जो थर्ड मेन पॉइंट है कि जब हम नरेटिव ऐसे नोट डाउन करने लगेंगे, वो है कि अब जब हम लिखने की यानी कि राइटिंग की तरफ जाएंगे तो हम जब नरेट करेंगे अपने बारे में, फॉर एग्जाम्पल माय हैप्पीएस्ट डे, ये हमारा टॉपिक था, यानी कि मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, तो हमेशा हम फर्स्ट पर्सन करके लिखेंगे जब नोट डाउन करेंगे। अब हम जब राइटिंग की तरफ जाएंगे इस पैराग्राफ की, तो हम इसमें कुछ फर्स्ट पर्सन यूज करेंगे जिसमें के आई मी एंड वी है, और इस तरह ये फर्स्ट पर्सन यूज करते हुए हम अपना एसे माय हैप्पीएस्ट डे एवर या माय हैप्पीएस्ट डे लिखना स्टार्ट करेंगे। अब जो लिखने के लिए जिस चीज पे हमने फोकस करना है वो हमारी है राइटिंग। अब जब हम लिखने की कोशिश करते हैं ना कोई भी नरेटिव ऐसे, तो हमें एक चीज का ख्याल रखना है कि नॉर्मल इंग्लिश यूज करने के बजाय हमने कुछ क्रिएटिव लैंग्वेज वर्ड्स यूज करने हैं राइटिंग के लिए। मीन्स फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एक ऐसे लिखने लगी हूँ और समथिंग मुझे कुछ कंफ्यूज कर रहा है, तो उस कंफ्यूजिंग के लिए मैं एक वर्ड यूज करूंगी, दैट इज प्रीप्लेक्सिंग। प्रीप्लेक्सिंग इज एन एडवांस वर्ड ऑफ इंग्लिश ऑफ कंफ्यूजिंग। तो इस तरह से नए वर्ड्स, यानी कि अगर आप नरेटिव ऐसे लिखने लगे हैं तो आपकी जो इंग्लिश वोकैबुलरी है वो बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, लेकिन अगर आप लोगों की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है और आप फिर भी कोई नरेटिव ऐसे लिखने की कोशिश करना चाहते हैं तो आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं। अब अगर ये तमाम जो फोर पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, ये तमाम चीजें हमने कर ली, हमने एक ऐसे लिख लिया, एक कंप्लीट ऐसे हमने नोट डाउन कर लिया, लेकिन जब हम लिख लें तो हम लास्ट पे सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कुछ स्टूडेंट्स हैं वो इग्नोर कर देते हैं, बट जब आप नरेटिव ऐसे लिख रहे होते हैं तो एंड में आपने प्रूफ रीड भी करना है। यस, अगर आप पेन एंड पेपर की मदद से कोई नरेटिव ऐसे लिख रहे हैं तो आप उसे थरली रीड कीजिए, लेकिन अगर आप एमएस वर्ड पे टाइप कर रहे हैं अपना कोई नरेटिव ऐसे, तो वहां पर आप देखेंगे कि ग्रामर एंड स्पेलिंग्स यानी कि प्रूफ रीड टूल जो है हमारे पास, जो हमारे कंप्यूटर में गिवन होते हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए आप अपनी जो स्पेलिंग्स हैं, आप अपनी जो ग्रामेटिकल एरर्स हैं, उनको थरली रीचेक कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप कंप्यूटर में टाइप कर रहे होते हैं तो वहाँ वो आपको नोटिफाई कर देते हैं कि आया यहाँ पे ग्रामेटिकल स्पेलिंग मिस्टेक, यहाँ पे सेंटेंस फॉर्मेशन इशू है। आई होप व्यूअर्स कि आज की जो ये वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, जिसमें हमने सीखा कि नरेटिव एसेज कौन से होते हैं और इनको लिखने का मकसद क्या होता है, और इसको अगर हम लिखना चाहें तो किस तरह लिख सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये छोटी सी काविश बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर इसके अलावा इस वीडियो से रिलेटेड या ऐसे कौन से इंग्लिश के टॉपिक्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, वो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, जिसके थ्रू मैं कोशिश करूंगी इंशाल्लाह कि कोई ना कोई वीडियो आप सबके साथ शेयर कर सकूं। वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर। अल्लाह हाफिज़।